ट्रॉली ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि सर ट्रैक्टर ट्राली पे कोई भी सवारी नहीं जाएगी। आज मूर्ति विसर्जन का था, क्या माना जाए प्रशासन सक्रिय नहीं है? नहीं, ये बात सही है कि काफी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे, हम लोग के द्वारा भी दिए गए। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली इन दिनों हादसों का शिकार लगातार हो रही है, लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निर्देश देते हैं अधिकारियों को कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारियों के लिए ना किया जाए। आम लोगों से अपील भी की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदलता। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। 1 अक्टूबर को कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत होती है। बांदा में 4 अक्टूबर को फिर हादसा होता है और 20 लोग घायल हो जाते हैं, एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर संत कबीर नगर में 5 अक्टूबर को हादसा होता है और सारे हादसों का एक ही कारण, ट्रैक्टर ट्रॉली का पलटना। कानपुर में 1 अक्टूबर को हादसा हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। 2 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचते हैं और इसी दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील करते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी के लिए ना करें, बल्कि किसी सामान को लाने ले जाने के लिए ही किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं कि किसी भी हालत में ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारियों के लिए नहीं होना चाहिए। ट्रॉली ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन फिर भी हालत देखिए, आए दिन लोग ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। ताजा मामला संत कबीर नगर का है। ट्रैक्टर ट्रॉली से बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान अचानक से भारी बारिश के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेलहर थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल के पास भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल में आला अधिकारी पहुंचे और मौके का जायजा लिया। लेकिन सवाल ये कि सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? आखिर कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग सफर कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली में सफर करते लोगों को रोका क्यों नहीं जाता? आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है? यही सवाल हमने डीएम साहब से पूछ लिया, तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि सर ट्रैक्टर ट्रॉली पे कोई भी सवारी नहीं जाएगी। आज मूर्ति विसर्जन का था, क्या माना जाए प्रशासन सक्रिय नहीं है? नहीं, ये बात सही है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे, हम लोग के द्वारा भी दिए गए थे। सभी जगह पर, सभी थानों के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से,
सभी ग्राम पंचायतों को भी प्रधानों को भी निर्देश दिया गया था और सभी जितने भी आयोजक हैं उनको भी निर्देश दिया गया था कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली का लोगों को आवागमन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और काफ़ी हद तक इसमें कई जगह सफलता भी मिली थी, लेकिन एक दो जगह निश्चित रूप से दिख रहा है जिसमें चूक हुई है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी गलती थी। अब इन हादसों के बाद अपने आप में कई बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये एक हादसे की नहीं है, बात सिर्फ संत कबीर नगर की भी नहीं है, बात सिर्फ कानपुर और बांदा की भी नहीं है, ये लगातार मानो एक सिलसिला सा चला आ रहा है। लगातार लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सफर कर रहे हैं, निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन फिर वही रटा रटाया बयान जो है दे दिया जाता है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, इन हादसों की जिम्मेदारी लेगा कौन, और सबसे बड़ा सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का क्या हुआ। सवाल जो कई सवाल जो है उठते हैं, ऐसे सवाल जो सीधे आपके हैं, तो अब हमारे यानी कि यूपी तक के कुछ सवाल उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से। पहला सवाल, ट्रैक्टर ट्रॉली में सफर करते लोगों को रोका क्यों नहीं जाता। दूसरा सवाल, तो क्या सीएम योगी के निर्देशों को भी नहीं मानते अधिकारी। तीसरा सवाल, सड़कों पर चेकिंग के वक्त ही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। चौथा सवाल, ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रहे हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये तस्वीरें और ये हादसे अपने आप में कई सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे सवाल सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है, जो आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो संत कबीर नगर से हमारे रिपोर्टर आलम को जाता है। साथ ही पॉइंट ब्लैंक हमारा ये जो शो है इससे जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।